अगर माननीय नीतीश जी हम लोग को गिद्ध कहते हैं तो हम लोग गिद्ध बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन 15 साल में जो गंदगी उन्होंने फैलाई है वो गिद्ध बन के ही सही, हम लोग उसको साफ करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है, एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष। विपक्ष को गिद्ध बताया जा रहा है, सत्ता पक्ष खुद को कबूतर बता रही है। हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद है, इनसे जानेंगे कि इन लोग को गिद्ध बताया जा रहा है तो इन लोग सत्ता पक्ष को क्या बताएंगे। माधव आनंद जी, आप लोग को गिद्ध बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकार खुद कह रही कि हम इस राज्य के बिहार के कबूतर हैं। सौरभ जी देखिए, जेडीयू ने जो राजनीतिक पोस्टर जारी किया है जी, मैं कहता हूँ कि उसके बहुत सारे मायने हैं। जिस व्यक्ति ने भी नीतीश कुमार जी को ज्ञान दिया होगा इस पोस्टर के लिए, मैं उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देता हूँ जो हम लोगों को गिद्ध कहा और उन लोगों ने अपने आप को कबूतर कहा। उन्होंने जो कहा कि कबूतर को जो हमें माना है कि भरोसे और गिद्ध को माना है भय का प्रतीक, उन्होंने पोस्टर के साथ साथ साइकिल लड़की चला रही हैं, बल्ब बिजली पता नहीं क्या क्या लगाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसमें हर प्राणी का अपना एक अलग जो है सो योगदान है, एक अलग जो है सो कैरेक्टर है। अगर कबूतर का समाज में शांति के रूप में देखा जाता है, प्रतीक के रूप में देखा जाता है, तो निश्चित रूप से जो गिद्ध का है उसकी भी अपनी भूमिका है। जो 15 साल में आपने जो गंदगी फैलाई है बिहार में, जो 15 साल में कुशासन बिहार में फैलाया है, उस गंदगी की सफाई कौन करेगा? उस गंदगी की सफाई तो गिद्ध ही करेगा ना, आखिर गिद्ध ही तो माना जाता है गंदगी की सफाई के लिए। तो 15 साल में तो आपने कोई अच्छा काम किया नहीं, आपने सिर्फ गंदगी फैलाने का काम किया। तो अगर बिहार को गंदगी से मुक्त करना है तो विपक्ष को अगर बनना पड़े गिद्ध, अगर माननीय नीतीश जी हम लोग को गिद्ध कहते हैं तो हम लोग गिद्ध बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन 15 साल में जो गंदगी उन्होंने फैलाई है वो गिद्ध बन के ही सही, हम लोग उसको साफ करने का काम करेंगे। देखिए, सरकार तो ये करे कि जनता की भरोसा NDA के ऊपर है और जो विपक्ष है उससे जनता भय के माहौल में रहती है। भय के माहौल में कौन है आप ही बता दीजिए। आज यहीं अपनी बहू बेटियां माताएं 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी को जिताने का काम किया था, लालू जी का बड़ा योगदान था उस जिताने में, मुख्यमंत्री भी दोबारा बने। आज बिहार में अगर कोई सबसे ज़्यादा असुरक्षित है तो यहीं अपनी माताएं बहनें और बेटियां जो हैं असुरक्षित है। आए दिन बलात्कार की घटनाएँ घटती हैं, कल ही हम लोगों ने सुना ना मुजफ्फरपुर में जो रेप पीड़िता थी जिनके साथ रेप करने की कोशिश की गई और जला दिया गया उनका किरोसिन से, उनकी जो उन्होंने दम तोड़ने का काम पटना में किया। आखिर कितने जगह पे समस्तीपुर से लेके बक्सर से लेके दरभंगा से लेके मधुबनी से लेके पटना से लेके कोई ऐसा जगह बताइए जहां अपनी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूं। पटना बिहार का जैसे दिल कहा जाता है, पटना में भी जब लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं तो किस भरोसे का आश्वासन दे रहे हैं। माननीय नीतीश जी, बहुत हो गया, बिहार की जनता, बिहार की बहू बेटियां, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान सब आपसे जो है सो उब चुके हैं। सब समझते हैं कि आप BJP के बी टीम हैं, आपका कोई अपना सिद्धांत नहीं है, कोई अपनी नीति नहीं है, कोई ना पार्टी का सिद्धांत है ना आपकी कोई अपनी व्यक्तिगत नीति है, जो BJP कहती है उसी को आप एक्सेप्ट करते हैं। और यही कारण है NRC से लेके आप अभी CAA से लेके हर जगह आपने सरेंडर करने का काम किया है और बिहार की जनता अब आपको वॉच कर रही है। आपकी जो सोई हुई अंतरात्मा है, उस सोई हुई अंतरात्मा को बिहार की जनता, बिहार के किसान, बिहार के नौजवान, माताएं, बहनें सब आपको जैसे अंतरात्मा की आवाज़ को जगाने का काम 2020 में करेगी। देखिए सर, सरकार का कहना है कि विपक्ष एकजुट है नहीं, क्योंकि जो बताते हैं 21 तारीख को RJD अकेले सड़क पर उतरने जा रही है, बिहार बंद का ऐलान किया है, न उसके साथ कांग्रेस है, न उसके साथ रालोसपा है, न उसके साथ हम है, तो कुछ अंदर खटपट तो नहीं चल रही है? सौरभ जी, विपक्ष एकजुट हो ना हो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिहार की जनता एकजुट है। लोकतंत्र में जनता अगर एकजुट हो जाए, युवा शक्ति अगर एकजुट हो जाए, तो बड़े से बड़े क्रूर शासक भी जो है ना नीचे आ जाते हैं। तो जब जनता एकजुट है
तो विपक्ष की एकजुटता में तो कहीं कोई कमी है ही नहीं। हम लोग सब तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। जहाँ तक जैसे आरजेडी का महागठबंधन का जो बंद है उसमें भी साथ में रहेंगे, जो कम्युनिस्ट का है उसमें भी बहुत सारे लोग रहेंगे, वो सवाल ये नहीं है। बिहार की जनता एकजुट है, बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार जी से मुक्ति की, और मुझे तो लगता है कि अब बीजेपी भी उब चुकी है, बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार से मुक्ति जो है मिल जाए। जनता के साथ साथ बीजेपी भी चाहने लगी है। तो हम लोग की जहाँ तक विपक्ष की बात है, हम लोग की विपक्ष की चिंता नीतीश कुमार जी ना करें, अपनी चिंता करें, देख लें कि कहीं आने वाला 5 साल जो 2020 में है कि कैसे वो किसी पंडित से अपना हाथ दिखवा लें कि कहीं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिले, और नहीं अगर पंडित जी कहते हैं तो पहले ही संन्यास धारण कर लें और कहीं दूसरी जगह चले जाएं। ये पप्पू यादव तो महागठबंधन में नहीं है सर, उनको नज़रबंद कर दिया गया है, वो अपने आवास पे ही सरकार के विरुद्ध आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। देखिए पप्पू यादव क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या नज़रबंद उनको किया गया है, जानकारी में है, अब किस कारण है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने बातों को रखने का, पप्पू यादव जी नियम के तहत ही अपनी बातों को रख रहे होंगे। अब पुलिस ने नज़रबंद क्यों किया है वो इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, उस पर बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी विपक्ष महागठबंधन की बात है, महागठबंधन मेरा जो है सो पूरी तरह एकजुट है। तो समर्थन दीजिएगा पप्पू यादव को? अरे हर अच्छे चीज़ के लिए एक दूसरे को समर्थन करना चाहिए। जब जनता हम लोग को समर्थन कर रही है, हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग तो जो सरकार की नीति है जो युवाओं के विरोधी है, किसान विरोधी है, अल्पसंख्यकों के विरोधी है, सवर्णों के विरोधी है, उसी की तो आवाज़ उठा रहे हैं ना। तो उस आवाज़ में जो भी आवाज़ अपनी बुलंद करने का काम करेगा, हम सब लोग एकजुट रहेंगे। किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, बिहार को बनाना है, बिहार को जो डिरेल हो चुका है डेवलपमेंट पे, आज युवा भटके हुए हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम है, और हम सब लोग जो है सो एकजुट हैं, आगे भी एकजुटता रहेगी। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तो हमेशा से यही प्रयास रहा है। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी, मैं भी उस कार्यक्रम में था, उन्होंने पुनः जो है सो बोला कि भाई मैं जो है सो विष पीने के लिए तैयार हूँ, समुद्र मंथन कर रहा हूँ। हम लोगों का पर्पस एक ही है, सत्ता हम लोगों के लिए कोई बहुत बारे में मायने नहीं रखता, रालोसपा के लिए अगर मायने कुछ रखता है तो बिहार के जो विकास की बात है, विकास होनी चाहिए। जितना 15 साल में उन्होंने गलत काम किया है, उस गलत काम से कैसे निजात दिलाया जाए, कैसे मेरी माताएँ बहनें और बेटियां सुरक्षित रहे, शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, फिर अगले साल चमकी बुखार से बच्चे न मरे, हम लोग की चिंता उन सारी चीज़ों की है। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं, रालोसपा सबको एकजुट करने में लगी हुई है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की अहम भूमिका है और आगे भी अहम भूमिका रहेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू बहुत बहुत। अगर माननीय नीतीश जी हम लोग को गिद्ध कहते हैं तो हम लोग गिद्ध बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन 15 साल में जो गंदगी उन्होंने फैलाई है वो गिद्ध बन के ही सही, हम लोग उसको साफ करने का काम करेंगे।